173, श्री गोविंद प्रभु के दर्शन। मालन देवी मंदिर में थोड़ा विश्राम करने के उपरांत सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी चांगदेव के साथ परमेश्वरपुर अर्थात रिद्धपुर नगर में पहुंचे। उधर श्री गोविंद प्रभु भैरव बुरुज मंदिर के पास आलंदी पर खेल क्रीड़ा कर रहे थे। पास में ही बाईसा सर्वज्ञ के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। इतने में बाईसा ने सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी को भैरव मंदिर के पास आते देखा। जब वे उनके पास आने लगी तब सर्वज्ञ ने अपने हाथ से इशारा करते हुए उन्हें अपने पास आने से रोक दिया। फिर सर्वज्ञ ने बाईसा से पूछा कि श्री गोविंद प्रभु किस स्थान पर खेल क्रीड़ा कर रहे हैं। इस पर बाईसा ने कहा, भगवान मैं देखो आलंदी के पास श्री गोविंद प्रभु खेल क्रीड़ा कर रहे हैं। इतने में दोनों ने परस्पर एक दूसरे को देखा। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी ने श्री गोविंद प्रभु को पीठ की ओर से अपनी बाहों से सेमालिंगन दिया। श्री गोविंद प्रभु को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने क्रुद्ध होते हुए कहा, अरे छोड़ दे छोड़ दे। इतना कहते ही सर्वज्ञ ने उन्हें छोड़ दिया। इसके उपरांत श्री गोविंद प्रभु ने अपने क्रोध को शांत करने के लिए धरती से ईंट के टुकड़े को उठाकर जोर से नीचे पटक दिया। फिर सर्वज्ञ ने श्री गोविंद प्रभु के श्री चरणों की धूलि को अपने सिर पर रखकर उन्हें नमस्कार किया। उसके उपरांत वे नगर में चले गए लीला का हेतु। सर्वज्ञ ने श्री प्रभु को पीठ से विलक्षण श्यामालिंगन क्यों दिया? क्योंकि वे श्री प्रभु के प्रति विशेष प्रेम और सम्मान का भाव प्रदर्शित करना चाहते थे। सर्वज्ञ ने श्री प्रभु के श्री चरणों की रज धूलि को अपने सिर पर क्यों रखा? क्योंकि श्री गोविंद प्रभु के साथ सर्वज्ञ की भेंट का सुअवसर महत्वपूर्ण था। भूमि को संबंध देने का काल भी महत्वपूर्ण था और उस धार्मिक क्रिया का प्रभाव भी अति पवित्र और महान था। परमेश्वर के अवतार के पास विद्यमान देवता की ओलगनियों अर्थात परिचारिकाओं और परमेश्वर के ज्ञानियों के मन में आनंद का उत्कर्ष भी बहुत था। इस महत्वपूर्ण पवित्र अवसर पर अनेक जीवों के कर्मों और अयोग्यताओं का नाश भी हुआ था। श्री गोविंद प्रभु अपने स्वरूप में विद्यमान ज्ञान के आधार पर देवताओं की ओलगनियों और जीवों के मनोधर्म को जानते थे। अवर शक्ति के आच्छादन से श्री गोविंद प्रभु इन्हें देखने में असमर्थ थे। परमेश्वर का स्वरूप बुद्ध है, ज्ञानमय है। यह भी कहा गया है, श्री गोविंद प्रभु की लीला को जानना संभव नहीं। किस समय पर किस जीव को वे क्या देंगे इसका कुछ पता नहीं चलता। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 173 यहाँ संपूर्ण होती है। दंडो प्रणाम। जय श्री चक्रधर स्वामी।